अगली खबर है भोपाल से। भोपाल के बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की नर्सरी की बच्ची से स्कूल बस में रेप का मामला सामने आया है। ड्राइवर हनुमत जाटव ने 3.5 साल की मासूम के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। बस की केयर टेकर उर्मिला साहू को ड्राइवर की करतूतों की जानकारी पहले से थी। वह ड्राइवर का साथ देती थी। बच्ची के साथ गलत होता देखकर भी उसने ड्राइवर का कभी भी विरोध नहीं किया। पुलिस ने ड्राइवर के साथ उसे भी सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, स्कूल प्रबंधन ने मामले में लीपा पोती करने की कोशिश की है। स्कूल प्रबंधन की भी जांच की जाएगी, दोषी होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बाल आयोग के सदस्य बृजेश चौहान का कहना है कि लगातार हम स्कूलों को निर्देश देते हैं कि परिवहन व्यवस्था में CCTV हो, ड्राइवर कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन हो। मामला बहुत गंभीर है, स्कूल प्रबंधन ने नोटिस देकर जवाब तलब करेंगे। CCTV क्यों चालू नहीं था? ड्राइवर कंडक्टर का वेरिफिकेशन कब कराया गया था या नहीं कराया गया था? हर बिंदु पर जाँच करेंगे, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। महिला थाना प्रभारी अंजना धुर्वे ने बताया कि बच्ची के साथ ड्राइवर कई बार यह हरकत कर चुका है। बच्ची ने मां को पहले भी बताया था, लेकिन परिजनों ने ध्यान नहीं दिया। 8 सितंबर को जब बच्ची के कपड़े बदले मिले, तब मां को उसने बैग टच करने के बारे में बताया। वहीं पुलिस मंगलवार को स्कूल बस के ड्राइवर हनुमत जाटव और केयर टेकर उर्मिला साहू को कोर्ट में पेश करेगी। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है, CCTV फुटेज नहीं मिले हैं। पुलिस रिकवर कराने का प्रयास करेगी। 37 वर्षीय आरोपी हनुमत शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। करीब 1.5 महीने पहले ही उसने स्कूल ज्वाइन किया था। पुलिस अब स्कूल बस में आने जाने वाली अन्य बच्चियों की भी काउंसलिंग करेगी, जिससे यह पता चल सके कि कहीं आरोपी ने अन्य बच्चियों के साथ भी तो ऐसी हरकत नहीं करी। पीड़ित बच्ची की भी पुलिस काउंसलिंग कर रही है। छोटे बच्चों के बैग में घर की एक ड्रेस भी रखकर भेजी जाती है। स्कूल प्रबंधन ने अपनी जांच में पेरेंट्स को बताया कि बच्ची स्कूल बस से घर जाती है, उसमें एक दीदी भी रहती हैं। 8 सितंबर को बस में बच्ची ने पानी पिया तो उसके कपड़े गीले हो गए थे। बस की दीदी ने बच्ची के कपड़े बदले थे। ड्राइवर की कोई गलती सामने नहीं आई है। बच्ची विराशा हाइट्स स्टॉप पर उतरती है। इसके बाद बस में 2 बच्चे और थे। बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल का कहना है कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही हम स्कूल में ड्राइवर को रखते हैं। बस में पानी पीने के दौरान कपड़े गीले होने पर आया दीदी ने बच्ची के कपड़े बदले थे, ड्राइवर ने नहीं। पुलिस की जांच में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। पुलिस जो जानकारी मांग रही है वह उपलब्ध है, आगे भी हम सहयोग करते रहेंगे। प्रकरण में पुलिस ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। अपराध दर्ज करके इसमें कानूनी कार्यवाही की गई है। बिलाबोंग स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सर, माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि प्रबंधन से 9 तारीख को अभी भी स्कूल प्रबंधन जो है सर घटना मानने को तैयार है, फुटेज नहीं दे रहे क्या 3 दिन? देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहाँ तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने मामले में लीपा पोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जाँच और पूछताछ में लिया जाएगा। निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करें।